नमस्कार दोस्तों, तो सिग्नल सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। यहाँ हम लोग मेनली स्केलिंग, शिफ्टिंग और कन्वोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया है और इस वेवफॉर्म से रिलेटेड एक सिग्नल ड्रॉ करना है वाई टी। जैसा आप देख रहे हैं वाई टी में स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉसिबल तीन मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड में स्टेप वन में पहले स्केलिंग परफॉर्म करूंगा और स्टेप टू में शिफ्टिंग परफॉर्म करूंगा। सेकंड मेथड में अब स्टेप वन में क्या करना चाहिए, पहले शिफ्टिंग परफॉर्म करूंगा और स्टेप टू में क्या करना चाहिए, स्केलिंग। और थर्ड मेथड में एक ट्रिक यूज़ करूंगा जिससे डायरेक्ट वेव फॉर्म हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में पहले स्केलिंग परफॉर्म करना है। तो जब भी स्केलिंग परफॉर्म करना है तो पहले स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन लेना होता है। अगर आप ध्यान से देखें इधर स्केलिंग पैरामीटर कितना है, -2, तो पहले मैंने -2 को क्या लिया है, कॉमन लिया है। अच्छा, स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपको यहाँ शिफ्टिंग दिख रहा है। अच्छा, अगर शिफ्टिंग में साइन माइनस में है तो राइट शिफ्टिंग होगा, और अगर शिफ्टिंग में साइन प्लस में है तो फिर लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। तो जब स्केलिंग हम लोग परफॉर्म कर लेंगे तो फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ शिफ्टिंग में माइनस साइन है तो राइट शिफ्ट करना होगा, और किस वैल्यू से करना होगा, 1 से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर पहले स्केलिंग करना है तो स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म आपको दिख रहा है वो शिफ्टिंग से रिलेटेड है, और शिफ्टिंग सेकंड स्टेप में परफॉर्म करना है। शिफ्टिंग में प्लस साइन है तो लेफ्ट शिफ्ट और माइनस साइन है तो राइट शिफ्ट। तो सबसे पहले एक्सटी का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए एक्सटी का वेव फॉर्म पहले ड्रॉ करके रखा है। अब सिग्नल XT को मुझे टाइम स्केल करना है किस वैल्यू से, -2 से। तो जब भी हम लोग टाइम स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, सपोज XT गिवन है x of 80 ड्रॉ करना है, और अगर x of 80 ड्रॉ करना है तो टाइम एक्सिस को a से डिवाइड करना होगा। अब अगर कंपेयर करें तो x of 80 में यहाँ a की वैल्यू कितनी है, -2, तो टाइम एक्सिस को किस वैल्यू से डिवाइड करना होगा, -2 से। तो यहाँ जो भी टाइम इंस्टेंट्स हैं -4, -2 एंड 2, इन सब को मुझे किस वैल्यू से डिवाइड करना होगा, -2 से। तो मैं -2 से डिवाइड करके वेव फॉर्म डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले -4 को -2 से डिवाइड करें। अगर आप -4 को -2 से डिवाइड करें तो -4/-2, इसकी वैल्यू आएगी 2। तो 2 को मैं किधर लोकेट करूँगा, RHS में। तो t=2 को मैं किधर लोकेट करूँगा, RHS में। फिर -2 को फिर से डिवाइड करना है स्केलिंग पैरामीटर -2 से। तो -2/-2 वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 को मुझे किधर लोकेट करना चाहिए, RHS में। तो t=1 को मैं लोकेट करूंगा RHS में। अब इसी तरह नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट है 2, और इसे स्केलिंग पैरामीटर -2 से डिवाइड करना है। तो 2/-2 कितना होता है, -1। अब -1 को मैं किधर लोकेट करूँगा, LHS में। तो t=-1 को मैं लोकेट करूंगा LHS में। ठीक है, तो -4 से -2 का रेंज ये कन्वर्ट हो गया है 2 से 1 वाले रेंज में। अब -4 से -2 में इधर क्या है, ट्रायंगल। तो मैं इधर 1 से 2 वाले रेंज में क्या ड्रॉ करूंगा, ट्रायंगल, और ट्रायंगल कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। जो भी पीक एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भी ऑपरेशन हो रहा है फिलहाल अभी वो टाइम से रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, -2 से 2 का रेंज ये टाइम स्केलिंग के बाद -1 से 1 में कन्वर्ट हो गया है। -2 से 2 में क्या है, रेक्टेंगल। तो -1 से 1 में भी क्या ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल। तो नेगेटिव रेक्टेंगल है, इधर ड्रॉ करूँगा नेगेटिव रेक्टेंगल कुछ इस फॉर्म में, और इस नेगेटिव रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड वही होगा जो इधर है। तो इधर एम्पलीट्यूड कितना है, -3। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट में यहाँ t-1 है, इसका मतलब राइट शिफ्टिंग परफॉर्म करना है 1 से। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आप देख रहे हैं राइट शिफ्टिंग परफॉर्म करना है 1 से। तो अब ये जो वेव फॉर्म है इसको कम्प्लीटली राइट शिफ्ट करना है 1 से। तो -1 से 2 का रेंज अगर आप इसे राइट शिफ्ट करें तो ये 0 से 3 के रेंज में जाएगा। तो अब जो भी वेव फॉर्म होगा वो किस रेंज में मिलेगा, 0 से 3 वाले रेंज में। t=1 वाला इंस्टेंट भी 1 से राइट शिफ्ट होगा, तो ये लोकेट होगा t=2 पर। तो राइट शिफ्ट करने के बाद मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूँगा, तो नेगेटिव रेक्टेंगल एंड पॉजिटिव ट्रायंगल कुछ इस फॉर्म में आए।
एम्पलीट्यूड्स वही लिखूंगा, एम्पलीट्यूड्स आर 1 एंड -3। दोस्तों हम लोगों ने पहले स्केलिंग परफॉर्म किया, उसके बाद शिफ्टिंग परफॉर्म किया, अब इसके बाद एम्पलीट्यूड में मुझे मल्टीप्लाई करना है -1/2। तो यहाँ सिग्नल वेव फॉर्म के जो भी एम्पलीट्यूड्स हैं 1 एंड -3, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/2 से। अब आप एम्पलीट्यूड 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -1/2। तो -1/2 किधर लोकेट होगा, बिलो एक्स एक्सिस, मतलब ट्रायंगल नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह -3 को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1.5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक्स एक्सिस के अबव लोकेट होगा। तो -1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वेव फॉर्म कुछ इस नेचर का ड्रॉ करना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। टाइम इंस्टेंट तो वही रहेंगे, तो टाइम इंस्टेंट्स आर 0, 2 एंड 3। और एम्पलीट्यूड को मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ट्राइंगल का पीक एम्पलीट्यूड लिखूंगा -1/2, और रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड लिखूंगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 और -1/2 का मतलब -0.5। तो जैसा आपने देखा, हम लोग अगर फर्स्ट मेथड से बढ़ते हैं जिसमें पहले स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, इसके बाद एम्पलीट्यूड में -1/2 मल्टीप्लाई करना है, -1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट वेवफॉर्म कुछ इस नेचर का आया। अब अगर मैं इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करता हूँ या फिर थर्ड मेथड से सॉल्व करता हूँ तो मुझे सेम वेवफॉर्म मिलना चाहिए। तो अब सेकेंड मेथड से प्रोसीड करते हैं। सेकेंड मेथड में पहले मुझे शिफ्टिंग परफॉर्म करना है। अच्छा, मैंने एक रफ वेवफॉर्म और रफ स्टेप्स पहले से ड्रॉ करके रखे हैं जिससे कि मुझे इस मेथड को सॉल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगे। तो सबसे पहले मुझे शिफ्टिंग परफॉर्म करना है। अब इसमें भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अगर आपको पहले टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करना है तो क्वेश्चन में जो शिफ्टिंग गिवन है उसी शिफ्टिंग से टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो इधर अच्छे से देखिए, टाइम शिफ्टिंग कितना है, 2। तो जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें फंक्शन के इनसाइड यहाँ पर +2 है, तो पहले x(t+2) ड्रॉ करना होगा। अगर यहाँ पर -2t-1 होता तो इधर आप क्या लिखते, t-1, x(t-1। तो यहाँ पर x(-2t+2 है, तो यहाँ पर +2 है, तो शिफ्टिंग इधर पहले कितने से करना है, +2 से। मतलब अब अगर x(t+2) ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिफ्टिंग में अगर साइन प्लस है तो शिफ्ट लेफ्ट करना होगा, और शिफ्टिंग में अगर साइन माइनस है तो शिफ्ट किधर करेंगे, राइट। यहाँ शिफ्टिंग में साइन क्या है, प्लस साइन, तो कितने से लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, 2 से। अब अगर इस वेवफॉर्म को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करें तो इसका एक्सटेंशन -4 से 2 तक है। अगर आप इसे 2 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -6 से 0 तक। तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म कुछ इस फॉर्म में आएगा जिसमें रिजल्टेंट वेव फॉर्म का एक्सटेंशन -6 से कहाँ तक होगा, 0 तक। -2 वाला इंस्टेंट भी 2 से लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो -2 वाला इंस्टेंट अगर 2 से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये किधर लोकेट होगा, -4 पर। एम्पलीट्यूड का क्या करूँ, मैं एम्पलीट्यूड वही लिखूंगा जो पहले था, क्योंकि अभी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म मैंने नहीं किया है। सो एम्पलीट्यूड्स आर 1 एंड -3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में टाइम स्केलिंग परफॉर्म करना। आप अगर इधर देखें तो टाइम स्केलिंग कितने से है, -2 से। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम लोग ए से टाइम स्केल करते हैं तो टाइम एक्सिस को ए से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, -2, तो टाइम एक्सिस को कितने से डिवाइड करूँगा, -2 से। तो टाइम एक्सिस को -2 से डिवाइड करना है। अच्छा, अब अगर टाइम एक्सिस को -2 से डिवाइड करें तो -6/-2 +3 आएगा, RHS में लोकेट होगा, -4/-2 +2 आएगा, RHS में लोकेट होगा, और 0/-2 0 होगा, तो ये ओरिजिन पर ही रहेगा। मतलब -2 से डिवाइड करने के बाद रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से 3 तक। तो वेव फॉर्म कम्प्लीटली किधर ड्रॉ करना होगा मुझे, RHS में। तो -6 को -2 से डिवाइड करूँगा तो टाइम इंस्टेंट आएगा 3। फिर -4 को -2 से डिवाइड करूँगा तो टाइम इंस्टेंट आएगा -2, टाइम इंस्टेंट आएगा 2। फिर इसके बाद 0 को -2 से डिवाइड करूँगा तो टाइम इंस्टेंट कितना लिखता, तो फिर टाइम इंस्टेंट कितना लिखता, 0। तो 2
2 को थोड़ा राइट साइड में रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 को इधर लिखूंगा, क्योंकि 0 टू 2 का इंटरवल लार्ज होगा, 2 टू 3 का इंटरवल शॉर्ट होगा। तो -6 से -4 का रेंज, जब टाइम स्केल हुआ -2 से, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2 टू 3 में। तो -6 से -4 वाले रेंज में क्या है, ट्रायंगल। तो 2 टू 3 में भी क्या ड्रॉ करूंगा मैं, ट्रायंगल। पीक एम्पलीट्यूड कितना, 1। अब इसके बाद -4 से 0 का रेंज, -2 से टाइम स्केल होने के बाद किस रेंज में कन्वर्ट हो गया, 0 से 2 में। तो इधर -4 से 0 में क्या है, रेक्टेंगल। तो 0 से 2 में भी क्या ड्रॉ करूंगा, रेक्टेंगल। तो 0 से 2 में ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड कितना, -3। तो हम लोगों ने पहले शिफ्टिंग परफॉर्म कर लिया, इसके बाद स्केलिंग परफॉर्म कर लिया। अब लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में हम लोगों को इस वेव फॉर्म को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, -1/2 से। अब अगर मुझे एम्पलीट्यूड में -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसके एम्पलीट्यूड देख लूंगा क्या है। तो एम्पलीट्यूड 1 है, -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -0.5, मतलब बिलो एक्स एक्सिस। और ये जो रेक्टेंगल है इसका एम्पलीट्यूड है -3, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करें 1.5, मतलब रेक्टेंगल पॉजिटिव मिलेगा 1.5 एम्पलीट्यूड का। तो -1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेक्टेंगल पॉजिटिव होगा, ट्रायंगल नेगेटिव होगा, और एक्सटेंशन सेम लिखूंगा 0 से 3 तक। एम्पलीट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ट्रायंगल के एम्पलीट्यूड को -3 से, ट्रायंगल का एम्पलीट्यूड है 1, -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो -0.5। फिर रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड है -3, इसे आप -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने जो सॉल्व किया है, फिर सेकंड मेथड से जो सॉल्यूशन आया, वो दोनों सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक करें, 0 से 3 तक ये फर्स्ट मेथड से का आंसर है, ये भी रेंज कहाँ तक आया, 0 से 3 तक। इसके बाद एम्पलीट्यूड्स 1.5 एंड -0.5, 1.5 एंड -1.5। तो क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा था कि अपना जो सॉल्यूशन आया फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड से, दोनों सेम है, इसका मतलब स्केल करके शिफ्ट करना, शिफ्ट करके स्केल करने में हम लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करी है। अच्छा, अब इसके बाद ट्रिक पर आते हैं। देखिए, जो ट्रिक है, ट्रिक इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे सामने कोई वेव फॉर्म गिवन है और मुझे टाइम स्केलिंग और शिफ्टिंग वाले वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, तो मैं ट्रिक के थ्रू वेव फॉर्म डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर ट्रिक के थ्रू हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले एक्स टी का वेव फॉर्म गिवन था, तो एक्स टी का वेव फॉर्म रहने देना है आपको। इसके बाद अगर आप खुद सोचे, मैं यहाँ एक्स ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू के लिखता हूँ, मतलब इस टी को के से रिप्लेस करता हूँ, एक्स ऑफ टी में टी को के से रिप्लेस करता हूँ, तो वेव फॉर्म में कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैं वेरिएबल रिप्लेसमेंट इधर भी करता हूँ, सेम वेरिएबल मैं इधर भी रिप्लेस करता हूँ फंक्शन के इनसाइड, तो ग्राफ तो वही रहेगा। तो एक्स ऑफ टी को टी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो यही ग्राफ है, अगर मैं एक्स ऑफ के को रेस्पेक्ट में ड्रॉ करूंगा तो भी यही ग्राफ ड्रॉ करता। तो यही लॉजिक मैंने सेकेंड वेव फॉर्म में यूज़ किया है, मैं टी को रिप्लेस कर दूंगा -2t + t से, और एक्स एक्सिस के वेरिएबल टी को भी रिप्लेस कर दूंगा -2t + t से। यहाँ भी रिप्लेस किया, यहाँ भी रिप्लेस किया, तो वेव फॉर्म में कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर और यहाँ पर वेव फॉर्म सेम ड्रॉ किया है। अच्छा, सिग्नल क्या ड्रॉ करना है, yt = -1/2x - 2t + 2। तो पहले मुझे इस वाले वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है, x - 2t + 2 को किसके अगेंस्ट ड्रॉ करूंगा, टी के अगेंस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ जो वेव फॉर्म ड्रॉ किया है ये x - 2t + 2 का है, लेकिन वेरिएबल क्या है, -2t + 2। तो अगर मुझे कोई वेव फॉर्म ड्रॉ करना है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक्स एक्सिस पर वेरिएबल टी होगा, यहाँ एक्स एक्सिस पर वेरिएबल कितना है, -2t + 2। मुझे वेरिएबल क्या चाहिए, टी, तो यहाँ से वेरिएबल टी किस तरह आएगा, इसके लिए ऑपरेशन मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे अगर यहाँ से वेरिएबल टी चाहिए तो पहले 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर जब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर जब 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर -2t को किससे डिवाइड कर दूँगा, -2 से। तो x एक्सिस का वेरिएबल क्या मिलेगा, टी। तो x एक्सिस के वेरिएबल टी के प्रोडक्शन के लिए मैंने ऑपरेशन क्या यूज़ किया है, -2 होल डिवाइडेड बाय -2।
अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन है मैं एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर यूज़ कर लूँगा, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी टाइम इंस्टेंट्स हैं सब पर सेम ऑपरेशन यूज़ करना है, माइनस टू होल डिवाइडेड बाई माइनस टू। तो माइनस टू होल डिवाइडेड बाई माइनस टू, इधर भी लिखूँगा माइनस टू होल डिवाइडेड बाई माइनस टू, यहाँ भी लिखूँगा माइनस टू होल डिवाइडेड बाई माइनस टू। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि टाइम इंस्टेंट्स क्या मिले। तो सबसे पहले अगर इस वाले इंस्टेंट को देखें तो ये इंस्टेंट कितना आया, माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू, तो वैल्यू कितनी होगी, थ्री। इसी तरह यहाँ पर ये इंस्टेंट कितना आया, माइनस फोर अपॉन माइनस टू, तो माइनस फोर अपॉन माइनस टू कितना होगा, टू। फिर टू माइनस टू ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया, तो नेक्स्ट इंस्टेंट कितना आया, ज़ीरो। तो अब एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस टू को मुझे टी के अगेंस्ट, मुझे किस वेरिएबल के अगेंस्ट ड्रॉ करना है, टी के अगेंस्ट। तो वेव फॉर्म में थ्री डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स आएंगे, जहाँ पर सिग्नल में चेंजेस होंगे, वो थ्री टाइम इंस्टेंट्स क्या है, ज़ीरो टू एंड थ्री। तो अब मैं एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस टी को टू को टी के अगेंस्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो टाइम इंस्टेंट्स क्या क्या मिले, टाइम इंस्टेंट्स आर ज़ीरो, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट टू, एंड नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट इज थ्री। ठीक है, टू टू थ्री के रेंज में स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायंगल। तो यहाँ भी टू टू थ्री के रेंज में स्ट्रक्चर मैं क्या ड्रॉ करूँगा, ट्रायंगल। फिर इसके बाद ज़ीरो से टू के रेंज में स्ट्रक्चर क्या है, रेक्टेंगल। तो ज़ीरो से टू के रेंज में स्ट्रक्चर मैं क्या ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल। तो ज़ीरो से टू के रेंज में स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल। जो भी एम्पलीट्यूड्स उधर लिखे गए सेम एम्पलीट्यूड्स इधर लिखने हैं। तो एम्पलीट्यूड्स हैं वन एंड माइनस थ्री, तो इधर भी एम्पलीट्यूड लिखूंगा वन, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज माइनस थ्री। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस टू का वेव फॉर्म तो ड्रॉ कर लिया, अब मुझे माइनस वन बाई टू एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस टू का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड को माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस पॉइंट फाइव आएगा, मतलब बिलो एक्स एक्सिस। माइनस थ्री को माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करें तो वन पॉइंट फाइव आएगा, मतलब अब एक्स एक्सिस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रेक्टेंगल पॉजिटिव मिलेगा, ट्राइंगल नेगेटिव मिलेगा, मतलब वेव फॉर्म कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव रेक्टेंगल एंड नेगेटिव ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड कितना, 1.5। ट्राइंगल का एम्पलीट्यूड कितना, माइनस 0.5। और टाइम इंस्टेंट्स मैं वही लिखूंगा जो पहले लिख रखा था, 0, 2 एंड 3। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया, ट्रिक के थ्रू भी रिजल्ट वही आया जो फर्स्ट टू मेथड से आया। 0 से 3 के रेंज में स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ट्रायंगल नेगेटिव और रेक्टेंगल पॉजिटिव होगा। तो 0 से 3 के रेंज में स्ट्रक्चर मिलेगा, 0 से 3 के रेंज में स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें ट्रायंगल नेगेटिव होगा और रेक्टेंगल पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट मेथड का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, जिसको हम लोग थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते थे, जिसमें फर्स्ट मेथड में आपने देखा पहले स्केलिंग परफॉर्म किया फिर बाद में शिफ्टिंग, सेकेंड मेथड में आपने देखा पहले शिफ्टिंग परफॉर्म किया बाद में स्केलिंग, और थर्ड मेथड में आपने देखा कि एक ट्रिक मैंने यूज़ किया, वो ट्रिक क्या था जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, एक्स यू टी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, ये गिवन था। अब एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस टू को मुझे टी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, तो इसी वेव फॉर्म में चेंज करता, यहाँ लिखता माइनस टू टी प्लस टू और यहाँ भी लिख देता माइनस टू टी प्लस टू। अब मुझे वेरिएबल टी चाहिए था, कैसे आता, माइनस टू से पहले माइनस टू ऐड करता, फिर माइनस टू से डिवाइड कर देता, तो वेरिएबल टी मिलता। तो एक्स एक्सिस पर जितने टाइम इंस्टेंट्स हैं सब पर मैंने सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, माइनस टू होल डिवाइडेड बाई माइनस टू। थ्री टाइम इंस्टेंट्स आए, 0, 2 एंड 3। अब 0, 2, 3 में वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो मैंने ड्रॉ कर लिया और फाइनली माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट वेव फॉर्म